हेलो गाइज, आप देख रहे हैं एफटी थॉट्स। मेरा नाम है रवि कुमार। एंड गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ गाइज एक ऐसी ट्रिक जिसके जरिए आप लोग ना सिर्फ इंडिया से बल्कि जापान जैसी कंट्री से बहुत ही अच्छा ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ला सकते हैं। सो गाइज, कौन सी ये ट्रिक है या कौन सी ये वेबसाइट है जिसपे मंथली 22 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है और आप लोग इस वेबसाइट से अपने वेबसाइट पे बहुत ही अच्छा ट्रैफिक ला सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ करना है इतना है कि पूरा वीडियो देखना है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग इस वेबसाइट से अपने वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक ला पाएंगे। और गाइज, लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में बनाया था और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लोगों को एक छोटा सा लाइक कर देना है और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सो चलिए गाइज, विदाउट किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे आप लोग जापान जैसी कंट्रीज से जहां पे सीपीसी बहुत ही अच्छा मिलता है वहां से ट्रैफिक ला सकते हैं। सो गाइज, देख सकते हैं ये वेबसाइट है hatena.ne.jp जहां से आप लोग अपने वेबसाइट के लिए ट्रैफिक ला सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज, इस वेबसाइट के जो भी स्टैट्स हैं वो हम चेक करेंगे और इसे चेक करने के लिए सिमिलर वेब एंड वेबसाइट seochecker.com की मदद हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इसका DAPA स्पैम स्कोर और इसी के साथ साथ कितना इस ब्लॉग पे ट्रैफिक आता है वो भी हम चेक करने वाले हैं। सो देख सकते हैं दोनों जगह मैंने इसका URL पेस्ट कर दिया और दोनों जगह सर्च के बटन पे क्लिक कर दिया। तो सबसे पहले गाइज, इसका हम जो भी DAPA स्पैम स्कोर वगैरह है वो देख लेते हैं। सो अगर आप लोग देखें तो इसका DA94 PA75 स्पैम स्कोर 17% है और गाइज 1 से लेकर 30% तक का जो स्पैम स्कोर होता है वो कंसिडर किया जाता है लो स्पैम स्कोर में, ये मोज खुद कहता है। सो गाइज, स्पैम स्कोर के बारे में आप लोगों को डरना नहीं। और अगर आप लोग देखें नवंबर 2021 का ओवरव्यू तो इसका जो कंट्री रैंक, ग्लोबल रैंक एंड कैटेगरी रैंक है वो बहुत ही अच्छा है जापान बेस्ड वेबसाइट। और गाइज, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि यहाँ पे 22 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है मंथली। सो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है कि 22 मिलियन वाले ट्रैफिक प्लेटफॉर्म से आप लोगों के वेबसाइट पे ट्रैफिक मिल रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें तो सारा जो ट्रैफिक आ रहा है 97% जो ट्रैफिक आ रहा है वो जापान से आ रहा है। तो अगर वहां से आप लोगों के ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगा तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। और देख सकते हैं जो ट्रैफिक आ रहा है ज्यादातर डायरेक्ट ट्रैफिक इस वेबसाइट पे आ रहा है। अब आप लोगों को इस वेबसाइट पे विजिट करना है और सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉग आउट हो जाता हूँ और कैसे आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पे बहुत ही इजीली बना सकते हैं वो बता देता हूँ। अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को सिंपली करना है कि इस वेबसाइट पे विजिट करना है और देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा यूजर इंटरफेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो क्रिएट hatena.id.com पे क्लिक करना है आप लोगों को और यहाँ पे गूगल या ट्विटर के जरिए आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाना बहुत ही इजी है, आप लोग सिंपली क्लिक करेंगे या आप लोग सिंपली यहां पर भी सारे फॉर्म को फिल करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाना बहुत आसान है। सो मैं ये शो नहीं कर रहा, मैं सिंपली यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूं। मैंने जिस अकाउंट से लॉग इन किया था उससे मैं लॉग इन हो चुका हूं। और गाइज, देख सकते हैं लॉग इन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का यूआई देखने के लिए मिलेगा। गाइज, ये जैपनीज वेबसाइट है तो ये इंग्लिश में ऑटो ट्रांसलेट हो जाएगी अगर आप लोग क्रोम यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद आप लोगों को प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करना है और अगर आप लोग देखें तो मैंने अपने प्रोफाइल में एक प्रोफाइल बैकलिंक बनाया हुआ है और गाइज ये 100% डू फॉलो है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप अगर आप लोगों को अपना प्रोफाइल बैकलिंक बनाना है तो एडिट के बटन पे क्लिक करना है और एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोग फिल कर सकते हैं और यहाँ पे गाइज HRF टैग के जरिए आप लोग अपना यहाँ पे अकाउंट बनाने के साथ साथ यहाँ पे प्रोफाइल बैकलिंक बना सकते हैं। बहुत बार मैंने आप लोगों को बनाया है कि कैसे आप लोग इस HRF टैग को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइज आप लोग चाहें तो यहाँ पे ऑप्शनल जो सेटिंग है जैसे फुल नेम, जेंडर, एज, बर्थडे, ब्लड टाइप, ये सारी चीजें फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा या कर भी सकता हूँ। और गाइज, 2 साल पहले मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया था, अभी तक ये चल रहा है, मतलब कि आपके अकाउंट को कोई भी यहाँ पे डिलीट नहीं करेगा और बहुत ही आसानी से आप लोग अपने सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। और मेरे को इस वेबसाइट से बहुत ही अच्छा ट्रैफिक भी मिलता है गाइज, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अगर आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से सबसे पहले आप लोग अपना प्रोफाइल बैकलिंक बनाएंगे और इसके साथ अगर आप लोगों को इस वेबसाइट से ट्रैफिक चाहिए तो वो कैसे लेंगे तो वो भी मैं बता देता हूँ। सिंपली hatena.com पे आप लोग क्लिक करेंगे और इसके बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं इस यूआई में एक पेन का आइकन दिखेगा, सर्विसेज इन यूज, तो यहाँ पे आप लोगों को इस पेन के आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे गाइज आप लोग इस पेन के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे गाइज अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग बना रखा है इस वेबसाइट पे और इस ब्लॉग पे मैं अपने आर्टिकल्स को रेगुलरली शेयर कर रहा हूँ। आज से मैं इस वेबसाइट पे स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी स्टार्ट करिएगा। अगर 1 से 2 महीने तक अगर आप लोग अपने ब्लॉग्स को यहाँ पे शेयर करते हैं
तो बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक आप लोगों को यहां से मिल जाएगा, जैसा कि मेरे को मिला हुआ है। मैंने यहां पे बहुत सारे ब्लॉग्स अपने शेयर किए हुए हैं, दूसरी आईडी बना के मैंने यहां पे अपने ब्लॉग्स को शेयर किया हुआ है, तो आप लोग भी शेयर करिएगा। और जो भी लिंक हमने यहां पे दिए हैं वो सारे वर्किंग है। अब गाइज मैंने आप लोगों को सारी चीजें तो बता ही दी, अब कैसे आप लोग अपने पोस्ट को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं वो बता देता हूँ। उससे पहले देख सकते हैं जो बैकलिंक्स यहाँ पे बने हुए हैं वो 100% नो फॉलो है, बट ऐसी वेबसाइट से अगर आप लोगों को नो फॉलो बैकलिंक्स भी मिलते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ कोई भी यूजर इस पे क्लिक कर रहा है तो डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, तो मतलब आप लोगों को इस वेबसाइट से ट्रैफिक के साथ साथ बैकलिंक्स भी मिल रहे हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे करना है कैसे, सिंपली क्रिएट न्यू ब्लॉग का एक सेक्शन दिखेगा, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन, जो भी आप लोगों को बेस्ट लगे। कॉर्पोरेशन वाले में आप लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे, मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ और फॉर्म फिल करने पड़ेंगे तो यहाँ पे आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं और सिंपली इंडिविजुअल वाले ब्लॉग जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। और उसे क्रिएट करना बहुत आसान है गाइस, सिंपली आप लोग अपना सबसे पहले यूआरएल सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप लोग अपने वेबसाइट का नाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी सब डोमेन आप लोग चूज करना चाहे आप लोगों को बेस्ट लगे उसे सेलेक्ट करना है, और इसके बाद इसे पब्लिक रखना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों का ब्लॉग पब्लिक रहे, आई एम नॉट अ रोबोट के कैप्चा को आप लोगों को सॉल्व कर लेना। और गाइस ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप लोग इसे ध्यान से स्टेप फिल करिएगा, क्योंकि बहुत बार ये गाइस अगर फिल नहीं होता है तो आप लोगों का ब्लॉग यहां पे नहीं बनेगा, और क्रिएट ब्लॉग के बटन पे क्लिक करते ही आप लोगों का ब्लॉग यहां पे बन जाएगा। सो गाइस मैंने पहले ही अपना ब्लॉग यहां पे बना रखा है तो मैं दूसरा ब्लॉग यहां पे नहीं बना रहा हूं, आप लोग सिंपली पहले में ही क्लिक करिएगा और यहां पे आप लोगों का ब्लॉग बन जाएगा। अब गाइस ब्लॉग बनाने के बाद आप लोगों को कैसे अपने यूआरएल्स को या अपने पोस्ट को यहाँ पे शेयर करना है तो सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा एक एंट्री का ऑप्शन, तो उस एंट्री वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अपने वेबसाइट के यूआरएल को या पोस्ट को ओपन कर लेना है जिसके लिए आप लोगों को ट्रैफिक चाहिए। तो जैसे मेरे को इस ब्लॉग के लिए ट्रैफिक चाहिए या इस पोस्ट के लिए ट्रैफिक चाहिए तो मैं इसे ओपन कर लूंगा। यहाँ पे पूरा जो इमेज सहित जितने आर्टिकल्स जितना है वर्ड मैंने लिखा है उसमें से जितने को चाहूं मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो इमेज और लिंक्स के सहित ये सारे यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं जो भी लिंक्स मैंने लगाए थे अपने पोस्ट में वो यहाँ पे एज इट इज लगे हुए हैं। और सारी चीजें करने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक नीचे पब्लिश का बटन दिखेगा उस पर क्लिक कर देंगे। उससे पहले इस ब्लॉग का या इस जो पोस्ट है इसका टाइटल दे देंगे, तो टाइटल हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। और इसके बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे सो आप लोगों की जो एंट्री है वो अपडेट हो चुकी है। अब आप लोग अपने ब्लॉग में जाके इसे चेक कर सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। सो देख सकते हैं गाइज आज मैंने आर्टिकल शेयर किया था और ये 100% वर्क कर रहा है। सो आप लोग भी इस तरह अपने ब्लॉग्स को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और इसके जरिए अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ये गाइज 100% गूगल इंडेक्सेबल है। अगर इसे हम इनकॉग्निटो मोड में ऑन करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, तो ये गूगल में इंडेक्स भी हो जाएगा। सो गाइज इस तरीके से आप लोगों को ट्रैफिक बैकलिंक्स के साथ साथ रैंकिंग भी मिलने वाली है। सो गाइज आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को छोटा सा काम करना है कि वीडियो को एक लाइक कर देना है ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे और ब्लॉग्स या ऐसे और वीडियोस बनाता रहूं। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय।